और एक बड़ी खबर यहां आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने AIMIM चीफ ओवैसी को शहर के BKC इलाके में रैली की मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया है। ये रैली 27 नवंबर को प्रस्तावित थी। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हुई हालिया हिंसा का हवाला देते हुए ओवैसी को रैली करने की मंजूरी नहीं दी है। और हमारी सहयोगी राधिका इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है और ज्यादा जानकारी लेकर। राधिका बताइए कि और क्या कुछ जानकारी है। जी, असदुद्दीन ओवैसी को रैली के लिए परमिशन नहीं मिला है। इनफैक्ट 27 को उनका रैली BKC के बड़े ग्राउंड में होने वाला था, लेकिन मुंबई पुलिस साइटिंग COVID-19 पैंडेमिक, बैन ऑन पब्लिक गैदरिंग और जो रीसेंट वायलेंस जो 3 डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं महाराष्ट्र में, इसके ऊपर परमिशन नहीं दिया। एंड द पार्टी AIMIM इज नॉट वेरी हैप्पी विद इट। उनको लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन और बायस की वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने उनको परमिशन नहीं दिया है। इनफैक्ट ये जो रैली थी, दिस वॉज मेंट टू डिमांड रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स एंड सेवरल अदर इश्यूज वर टू बी टेकन अप इन दिस पीसफुल रैली एज बीइंग टोल्ड बाय असदुद्दीन ओवैसी। अभी वी विल हैव टू वेट एंड सी हाउ AIMIM कंडक्ट दिस रैली, वेदर वो जगह चेंज करेंगे, लोकेशन चेंज करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे, या फिर विल दे बी एबल टू कन्विंस द स्टेट गवर्नमेंट टू होल्ड दिस रैली ऑन द 27th। जी जी राधिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए मेरा नाव के साथ।